नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाराबंकी में केंद्र सरकार के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का जोरदार धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि जनपद के बाराबंकी में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन देखने को मिला। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण मौजूद रहे हैं। अपनी ही सरकार के अपनी ही वहाँ दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसमें जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन्हें को सरकारी गवाह बना करके पर फर्जी केस लगा के हमारे मनीष सिसोदिया जी को किसी भी तरह से अंदर डाल पाए ताकि हम ये कहने में सफल हो पाए कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। क्योंकि इनको डर है, प्रशासन में परेशान हो रहा है, हर चीज परेशान हो रहा है, तो इसकी परेशानी का तो इसका कोई सलूशन या जो है क्या मतलब है इसका जो है? नहीं, प्रशासन की कोई परेशानी नहीं। प्रशासन की क्या परेशानी है? प्रशासन की कोई परेशानी, परेशानी सिर्फ मोदी जी को है। मोदी जी को ये परेशानी है कि 2024 में मेरी लुटिया डूब रही है। अभी जो गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी जो करके आए वो कुछ ऐसा कर दिया कि मोदी जी को चैन नहीं आ रहा है, तो वही ये उसी क्रम में ये किया गया कार्य है। ये बहुत टिपिकल ढंग से काम किया है, पूरी तरह से झूठा केस लगा के सरकारी ही अधिकारियों को वहां पे गवाह बना के। वहीं रायबरेली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दिशा निर्देश के बाद से सलोन विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड डीह में ब्लॉक अध्यक्ष शिवदर्शन पासी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा और साथ ही बता दें कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली है। और इस दौरान बता दें कि पीसीसी सदस्य किरण देवी के वर्तमान सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि मौजूदा सरकार की कमर तोड़ महंगाई से गरीबों की कमर टूट गई है। और इस दौरान गरीब व्यापारी सभी वर्ग परेशान है। ब्लॉक अध्यक्ष शिव दर्शन पासी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों की हितैषी साबित हुई है। और बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब लगातार कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। और हाथ जोड़ो यात्रा की ये तस्वीर रायबरेली की, जहां पर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। जोधपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हुई है और इस दौरान सरकार के तमाम कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया है। बता दें कि जनपद बाराबंकी के जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अवैध क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद नईम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। इन मौके पर बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अवध क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद नईम ने बताया है कि बीजेपी सरकार की तमाम अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सभी को जागरूक किया गया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को बीजेपी धरातल पर पूरे हकीकत के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि जागरूकता की जरूरत हमारे समाज को है ताकि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसे अधिक से अधिक फायदा अल्पसंख्यक को मिल सके, इसके प्रति बैठक करते हुए जागरूक किया जाए है। बनी हो उसकी योजनाएं रही हो वही अपने भाइयों के बीच में रखने आए थे और उनको ये बताने आए थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने नारे पर धरातल पर पूरी हकीकत से काम कर रही है। जागरूकता की ज़रूरत हमारे समाज को है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएँ लेकर आई है उससे रूबरू हों और ताकि हम अपने समाज में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो तरक्की है, जो शिक्षा है, व्यवस्था है, उनको हमारे लोगों को फ़ायदा मिले, इसी सिलसिले में हम लोग की आज की बैठक। बाराबंकी जिला जेल को शाक भांजी में बेहतर उत्पाद करने के लिए प्रदेश के पहला पुरस्कार मिला है। पिछले 15 सालों से रिकॉर्ड तोड़ते हुए बाराबंकी जिला जेल के एक बार फिर से चल बेजयंती ट्रॉफी हासिल की है। और इस दौरान जेल अधीक्षक के निर्देश पर बंदियों द्वारा उगाई गई 13 विभिन्न बता दें कि सब्जियों को पुरस्कृत किया गया है। सोमवार को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीपी सिंह की चल बैजयंती पुरस्कार से सम्मानित किया है।
और मैं यहाँ जेल कारागार बाराबंकी में 10 साल से बंद हूँ, और यहाँ हमारे साहब जेलर साहब, परीक्षक साहब, सब लोग हमें खेती करना सिखाते हैं, और स्ट्रॉबेरी है और यही ब्रोकली है और बैंगन वगैरह ये सब हैं। हम लोग बहुत यहाँ पर खुश हैं और काफ़ी मेहनत करके हमारा जेल का नाम उत्साहित हुआ है। जब से मैं जिला कारागार बाराबंकी में आया हूँ, तब से कोशिश यही है कि यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड को देख करके मैंने कोशिश किया कि बंदियों को कुछ टेंट किया जाए और खेती में विविधता लाई जाए, जिससे कि वो बंदी जब बाहर जाए तो अपने कम जमीन में ज़्यादा उत्पादन करके ज़्यादा मुनाफा कमाए और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। बाराबंकी में हैदरगढ़ में पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित के बेटे और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रीति बता दें कि प्रतिनिधि बीजेपी नेता पंकज दीक्षित ने फिर एक बार खोया अपना आपा, और इस दौरान बता दें कि किसान मेले में आयोजन एक कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी और बीजेपी नेता के बीच हाथापाई की ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर गाली गलौज करते हुए एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। कहासुनी के बाद दोनों में हाथापाई भी हुई है। मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है और ये आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं विधायक। लगातार ये तस्वीर सामने आई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। बाराबंकी के हैदरगढ़ के पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित के बेटे और नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि प्रति बीजेपी नेता पंकज दीक्षित एक दूसरे को गाली गलौज देते हुए मारपीट करते हुए ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक दूसरे को उठा पटक करते हुए ये नजर आ रहे हैं। पीके पर जो है आपसे और एक कर्मचारी से जो है कुछ मामला हुआ, क्या था मामला पूरा? मामला भैया लगभग 5 साल से जब से मान लीजिए हम चेयरमैन हम लोग हैं, तब से आज तक मुझको वहाँ बुलाया नहीं गया। मैं जान ही नहीं पा कि मेरे नगर पंचायत में कोई विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र है। लगा कि मुझको मेला है, लोगों ने कहा चलो भैया देखते क्या क्या वहाँ है, प्रदर्शनी लगी, हमने कहा चलो। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा ना गोभी फूल लगते तो वह देखने लगे, उसी जगह गोभी खड़े थे, तब तक उसी भी हट गए। बाराबंकी के मचौची गांव में दहेज और बहन की हत्या के संबंध में FIR दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बाराबंकी के जैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मचौची गांव का है, जहां पर निवासी जितेंद्र वर्मा बेटे ब्रजकिशोर के जनपद के लखनऊ के थाना विकास नगर में शिकायत पत्र देते हुए बताया है कि उनकी बहन लगभग 28 वर्षीय प्रीति, जिसका विवाह 2 दिसंबर को पूरे रीति रिवाज के साथ 2022 में किया गया, और इसके बाद से बता दें कि अभिनव सिंह साथ उसका विवाह किया गया था। प्रीति कम अब बता दें कि विद्यालय परिसर में प्रीति जो थी वो शिक्षिका का काम करती थी, और इस दौरान लगातार जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वे दहेज को लेकर उसे परेशान करते रहते थे, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहते थे। इसके बाद से बीती रात को उनकी बहन ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की है, फांसी लगाकर आत्महत्या की है, और इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम भैया आपका? राजन प्रसाद। क्या हुआ था सर? हम लोग जब सूचना मिली 6:30 बजे तो हम लोग थाने पहुंचे, वहाँ कौन से थाने? विकास नगर। अच्छा। जब वहाँ पहुंचे तो उन लोगों ने कहा कि हमने लाश उतार के जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम लोगों को लाश भी नहीं दिखाई गई, उसके बाद FIR के लिए हम लोग तड़पते रहे, FIR नहीं लिखे। उसके बाद 2:10 पर हमारी FIR नोट की गई, कहा कि जाइए पोस्टमार्टम। जब पोस्टमार्टम पहुँचे तो कहे पोस्टमार्टम 5 बजे होगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो हम लोगों को केवल लाश दे दी गई, पोस्टमार्टम में भी नहीं दिखाया गया हम लोगों को। हमारे सामने विकास नगर थाने में तहरीर दी है आपने? जी जी। कहते हैं पैसे को देखकर इंसान का ईमान कब खराब हो जाए ये कोई नहीं जानता। चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी वाली कहावत आज बिजनौर के धामपुर में काशिफ खान नाम के एक युवक के चरितार्थ होती हुई नजर आई है। काशिफ खान ने पुलिस को फर्जी लूट की सूचना दी थी, तो वही पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल की। शिकायत पर लुटेरे बता दें कि वही व्यक्ति लुटेरा निकला, और इस दौरान पुलिस ने काशिफ खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नाम है आपका? किस पद पे तैनात हैं आप? मुस्लिम फंड में? अच्छा, मैनेजर साहब आज जो लूट का मामला हुआ है, ये जो इन्होंने लूट का मामला बताया ये किस पद पे हैं मुस्लिम फंड में? ये ब्रांच इंचार्ज। अच्छा, ब्रांच इंचार्ज ने यहाँ लूट की सूचना आपको दी थी? जी।
जी मुझे फ़ोन करके 1:41 पे इन्होंने बतलाया जी कि मेरा बैग छिन गया है और लेके बाइक से दो लड़के आए और वो मेरा बैग लेके भाग गए। दरअसल लगभग 1:45 थाना धामपुर को सूचना हुई कि किसी व्यक्ति द्वारा कुछ अनजान व्यक्ति द्वारा कि एक व्यक्ति काशिप करके हैं उनके साथ लगभग 9,00,000 की लूट जो है जैन मंदिर के पास हो गई है। पुलिस ने जो है बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया। वही महुआ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सदगोपाल साहू के भाई और शहर के बड़े व्यापारी संदीप साहू के यहाँ पर चोरी की वारदात हुई थी जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 11 घंटे के अंदर ही पुलिस ने ये पर्दाफाश किया है और 4 टीमों और सिविल लाइन्स ने खुलासा करते हुए चोरी के माल को बटोर लिया है। साथ ही संदिग्ध जो चोर गिरोह है उसका भी खुलासा करते हुए 4 सदस्यों को पुलिस ने दबोच लिया है जिसके पास से चोरी की गई 92,00,000 रुपए की नकदी सहित 470 ग्राम सोने की जेवरात भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस की कार्यक्षमता की पीड़ित व्यक्ति ने जमकर प्रशंसा की है। वहीं खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक 25,000 रुपए का इनाम देकर हौसला बढ़ाने का काम किया है। चोरी का खुलासा किया है, क्या कहना है? ये हमारे जनपद का सौभाग्य है मैडम का आगमन हुआ से पुलिस अधीक्षक महोदया का और उनकी पूरी टीम ने सतत रात भर सतत प्रयास करते हुए इस चोरी का खुलासा किया कि हमारे जनपद के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य। किसे खुलासा किया गया, किसी टीम ने काम किया है? देखिए जैसा आप सबको विदित है कल शाम कोतवाली में एक सूचना मिली थी एक बिजनेसमैन द्वारा कि उनके बंद घर से बहुत सारा कैश और ज्वेलरी चले गए हैं। यह बहुत ही सीरियस एक घटना हमारे सामने आई थी जिसका त्वरित संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा मौके पर पहुंचा गया था। अन्य अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच के वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी। सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे। 4 टीमों का इसमें मेरे द्वारा गठन किया गया था। सर्विलेंस टीम को भी लगाया गया था। मुखबिर भी मामूर किए गए थे। रात को ही हमें सूचना मिली थी मुखबिरों के आधार पर कि कुछ लोग इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं जिसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छानबीन शुरू करी। ललितपुर जिले के थाना जखोरा में एक ज्वेलरी की दुकान में 2 लोगों ने हाथ साफ किया है और तकरीबन 30,000 के 2 पेंडेंट लेके फरार हो गए हैं। वही घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस दोनों चोरों की खोजबीन में लगातार जुटी हुई है। महुआ के कबरई में क्रेशर प्लांट के मुनीम की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। 2 व्यक्ति मृत अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और साथ ही बता दें कि क्रेशर प्लांट की मुनीम की संदिग्ध मौत के सूचना पर पुलिस और मृतक के परिवार में हड़कंप समझ गया है। परिजनों ने बीजेपी नेता पर गोली मारने का गंभीर आरोप लगाया है। देखिए एक बॉडी मिली है कबरई क्षेत्र में और इसकी सूचना पुलिस को अभी प्राप्त हुई है और इनको इमरजेंसी में यहाँ जिला अस्पताल में लाया गया और ये डेड थे। मेरी यहाँ पे इमरजेंसी डॉक्टर से जिन्होंने इनको पहली बार इनको ट्रीट किया था उनसे बात हुई है और उन्होंने इनका ब्रॉट डेड यहाँ पर होना बताया गया है। क्या घटना हुई है? जी गोली मारी है चाचा को। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि चुनुबा साहू नाम है जो मृत हुए हैं, ठीक है। उनका लड़के ने अभी हमें बताया कि गोली मारी है मेरे पापा को। उस लड़के ने बताया गोली मारी है मेरे पापा को तो उसी वजह से यहाँ पे आए हुए थे। कहाँ पे काम करते थे ये? स्वामी राग क्रेशर में इंचार्ज थे। कैसे हुई घटना कुछ मालूम चल पाया है? ना ये कुछ नहीं है पता, इतना ही पता है कि उस लड़के ने बताया कुछ भी बात हुई हो उस लड़का नीचे था गाड़ी में, ये गाड़ी में बैठे थे, पापा उसके नीचे गिरे, उसने बाहर से देखा मतलब कि गोली मारी है। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधविहार कॉलोनी में नहर के पास जनक दुलारी का एक प्लांट है जिस पर भूमाफियाओं ने अपना नजर गड़ा रखा है। ये भूमाफिया क्षेत्र के दबंग लोग हैं और अपने आप को बीजेपी नेता बताते हैं। भूमाफियाओं ने पुलिस की साठगांठ कर इस प्लांट पर कब्जा कर रखा है जबकि मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस ने बार बार फरियाद करने के बाद भी पुलिस ने एक न सुनी और इन भूमाफियाओं ने प्लांट पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि इस प्लांट पर 4 दीवारी बनाकर उस पे दरवाजा लगाकर ताला भी लगा दिया। जनक दुलारी इस वक्त बता दें कि अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगा रही है और कोई उसे प्लांट नहीं दिला पा रहा है, इंसाफ नहीं दिला पा रहा है जिसके लिए वे दर दर भटकती हुई नजर आ रही है।
इनने काम लगवा लिया। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मैं दूसरे ने बताया कि आपके प्लॉट पर कंडीशन पे काम लग गया। मैं देखने गई तो जिनका पूरा फोर्स कम से कम 50 आदमी थे, इनने काम चालू कर दिया रविवार को। मैंने मना किया तो ये माने नहीं। मकान बन गया पूरा, बाउंड्री बन चुकी है, आगे गेट लग गया है, उन्हीं का ताला लग गया। मैंने ताले का भी विरोध किया था कल, बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो यथास्थिति जो रहेगी, और राजीनामा लिखवा के बोले आप लोग जाइए, और उन्हीं का ताला लगा दिया। स्टे ऑर्डर का पालन नहीं हुआ, जो कि इनने दो दिन के अंदर पूरा जो है मकान बनवा के एक तरफ। तहसील के टहरोली के एक गांव में नदी घाट में शव मिलने से हड़कंप समझ गया है, तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी गई है। जानकारी के अनुसार टहरोली तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोहर गांव घाट पर उस वक्त हड़कंप समझ गया जब घाट के गुजरने वाली राहगीरों ने नदी में एक शव को उतरता हुआ देखा, तो वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। नदी में मिलता बता दें कि उत्तर आता हुआ शव 14 से 15 वर्ष के किशोरी का बताया जा रहा है। पुलिस ने शव की शनाख्त का प्रयास किया है, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह कई दिन से पुराना मामला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल यहां कई घंटों तक फाटक पर मालगाड़ी ट्रेन खड़ी रही और रेल विभाग तस से मस नहीं हुई। वहीं फाटक पर ट्रेन खड़ी होने से लोगों में जान में जोखिम डालकर बता दें कि रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए नजर आए हैं। वहीं फाटक बंद होने से कई घंटों तक जाम की स्थिति देखने को मिली है। एक घंटा हो गया, बच्चे स्कूल के बच्चे ट्रेन के नीचे से निकल रही, ऊपर से निकल रही, महिला निकल रही है, बस एक घंटे से हो गया। पर कम से ये ट्रेन आगे बढ़ने नहीं है, ये फाड़ा लगा हुआ है। कहाँ पर, किस जगह पे है ये ट्रेन? ये सीमा फाटक पे है। तो जान जब जी एक घंटा हो गया, मैं यहाँ पे सीमा फाटक पे मैं बच्चों को खुदा खुदा को निकल रहा हूँ। स्कूल के बच्चे भी आ रही हैं यहाँ पे, महिला भी निकल रही है यहाँ से, कम से कम एक घंटे से ऊपर हो गया। तो आप भी निकाल लें? जी हाँ, मैं निकला था ऊपर से भी, आपको सामने निकाला था मैंने। एक घंटे से ऊपर हो गया, मेरे बच्चे निकल रही हैं, स्कूल के बच्चे निकल रही हैं, और सब बच्चों आपको मैं निकला। एक घंटे से खड़ी ट्रेन नहीं, ट्रेन आगे बढ़ नहीं है। जान जोखिम में डालो, जान गोजी में डाल लिया नहीं, क्या करें, मजबूरी है, निकलने पड़ रहा है, क्या करें यार। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बिलाल है। प्रदेश की योगी सरकार भले ही नौनिहाल बच्चों के विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन अभी भी एक विद्यालय ऐसा है जहां पर बच्चे डर के साए में अपनी पढ़ाई करने को मजबूर है। उत्तर तो प्रदेश के इटावा जनपद के बसड़ेहर ब्लॉक के हदतपुरा गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय की इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी गिरकर हादसे का बच्चे शिकार हो सकते हैं। नौनिहाल बच्चों के अभिभावक और साथ ही विद्यालय में पढ़ने वाले अध्यापक ने जरिए विद्यालय की इमारत के बता दें कि जीर्णोद्धार के कई बार लिखित मांग की गई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं है। विद्यालय के कमरों में दीवार बता दें कि चटकती हुई नजर आ रही है, लैंटर भी झड़कर गिरता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही विद्यालय की इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी गिरकर बड़े हादसे को दावत दे सकती है। और ये तस्वीर प्राथमिक विद्यालय की। नाना अध्यापक है, स्कूल आपके जर्जर पड़ा है, ये कब से पड़ा है? हाँ जर्जर है, इसके लिए कई बार हमने जो है BRC में ब्लॉक पे प्रधान जी को और यहाँ तक BSA कार्यालय तक में एप्लीकेशन दे दी है इसके लिए, और रिसीविंग भी हमारे पास रखी हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? छात्र संख्या 106 है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र यादव। जितेंद्र जी कौन सा गांव है? ये ग्राम हेदपुरा है। आपको स्कूल बनाया गांव में, ये टूटा पड़ा है, ये कब से पड़ा है, क्या क्या समस्याएं हैं इसमें? सर 5 साल हो गई हैं, 5 साल से अधिक भी हो गई हैं इसकी। पहली बात तो ये प्राथमिक विद्यालय हेदपुरा है, इसमें काफी बार शिकायतें भी कर चुके हैं BSO वगैरह को, लेकिन इस विद्यालय में पड़ी दीवारें दरारें आ गई हैं और ये विद्यालय अभी भी सुधरा नहीं है। सचिव को भी अवगत करा रखा है और हमारे बच्चे इसी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं
और इसी विद्या बच्चे जब घर जाते हैं तो कहते हैं उसमें तो दीवारें कभी भी हादसा हो सकता है, और इस दीवारों को कृपया मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारा ये विद्यालय बनाने की कृपा करें तो आपकी मान कृपा होगी। सहारनपुर में योगाचार्य स्वामी यशस्वीर जी महाराज द्वारा जमीलिये उलमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मसीन मदनी से बता दें कि शरणार्थ किए जाने को लेकर देवबंद पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा देखते हुए भारी इंतजाम कर रखे हैं। स्वामी यशवीर के देवबंद पहुंचने के ऐलान के चलते मंगलवार को पुलिस प्रशासन ने नगर में भारी सुरक्षा व्यवस्था करते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं आला अधिकारी ने भी हालात पर नजर बनाए नजर आए। वहीं दूसरी ओर स्वामी को उनके समर्थकों के द्वारा मुजफ्फरनगर में ही प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है, और साथ ही बता दें कि उन्हें जनपद सहारनपुर की सीमा तक नहीं पहुंचने दिया गया। ललितपुर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं बता दें कि ये पूरा मामला पूर्व में ही विवाद को लेकर हत्या को अंजाम देने की बात बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने तीन युवकों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मृतक ने 20 दिन पूर्व हुए झगड़े को कोतवाली में शिकायत कर उसके साथ होने वाली घटना को जिम्मेदार चेतन और गोलू को बताया है। वहीं बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई है। कहाँ से आए हो? कसाई मंडी ललितपुर। क्या समस्या लेकर आए हो? गोलू चेतन नाम के दो व्यक्ति हैं, मंडी में मुझे रोज परेशान करते हैं, गांजा पीकर गाली गलौज करते हैं। आपके भतीजे के साथ? मेरा नाम नसीबुद्दीन बाबा कुरैशी है, और मैं घर में सो रहा था, बहुत गरीब में एसी की एसी चलाया, चले भाई तुम्हारे भतीजे का मटा हो गया तो हम तुरंत एसी भगे लोवर मोड़ पहन के। कासगंज स्थित कोतवाली क्षेत्र में एक स्वर्णकार की दिन दहाड़े मिर्ची झोंक कर लूट की वारदात सामने आई है। बता दें कि फिलहाल मिर्ची झोंक कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, और साथ ही दुकानदार ने इस मामले की जानकारी प्रशासन को दे दी है। पुलिस इस मामले को लेकर लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। जो आपके साथ क्या घटना घटित हुई है? ये मेरे पास आए थे और पाजे दुखाने का, मैं पाजे दुखाई दुखा चुका, मैं उनको तो घट्टी हो लगभग सामने वाले लेकर छीन भाग चुका, और मेरी आंखों में चौंक उन्होंने, पहले मैं जाऊँगी उसको लेकर भागेंगे एकदम तो। फिर मैंने बाहर सो के अपनी चिंता न करते हुए सड़क पर मैं पड़ लिया। कितने लोग? अकेले थे ये। अब कहाँ है वो? अभी ये थाने में समय। फिरोजाबाद में मातृशक्ति सम्मेलन का विशाल आयोजन किया गया है, जिसमें बता दें कि वृंदावन से आए धार्मिक महापुरुषों ने भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान स्कूल छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति के जुड़े कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। इन मातृशक्ति सम्मेलन में कार्यक्रम में आई महिलाओं को जागरूक किया गया। वहीं फिरोजाबाद के कस्बा टुंडला के स्टेशन रोड स्थित रॉयल गार्डन में मातृशक्ति सम्मेलन का विशाल आयोजन किया गया। जो महिला मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन जो किए जा रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। इसमें हर जाति वर्ग समुदाय संप्रदाय से जो भी मातृशक्ति आई है वो सब संगठित हुई है। मैं डॉक्टर साध्वी कृष्णप्रिया, मैं वृंदावन धाम से हूँ, और आज ये मातृशक्ति का जो ये सम्मेलन हुआ, ये देखकर जो है हृदय जो है बहुत गदगद हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत वर्षों से मेरी चाह थी कि नारी शक्ति जागृत हो, और आज जो देख के उनका ये इतना बड़ा ये जो सम्मेलन हुआ है वो देख के एकदम से लगता है कि अब हमारी नारी शक्ति को कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।